नमस्कार दोस्तों, मैं सुश्रीता, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं शेयर कर रही हूँ मैं बॉयल्ड चिकन कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले जो कुछ भी चाहिए, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, सब कुछ अच्छे से छील के अच्छे से क्लीन करके मैंने धो के रख दिया, और चिकन को भी मैंने अच्छे से क्लीन करके धो के रख दिया। तो कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया चिकन। अभी मैं ऐड करूँगी आलू। आलू को मैंने गोटा ही रखा क्योंकि आलू का साइज़ छोटा है। अगर आप चाहो तो इसको दो टुकड़े करके भी दे सकते हो। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया टमाटर। अभी मैं ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च। आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको पसंद है, बट मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। अभी मैं ऐड करूँगी इसमें पानी। तो अभी इसको ढक के हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे। तो टमाटर बॉईल हो चुका है, अभी टमाटर को मैं मैश्ड कर लूँगी। टमाटर को मैंने मैश्ड कर लिया। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन। तो सब अच्छे से एक साथ मिक्स करेंगे, और फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया। तो मीडियम फ्लेम पे इसको अभी अच्छे से पकाएंगे। तो अभी मैं ऐड करूँगी काली मिर्च पाउडर। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर दिया काली मिर्च पाउडर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है काली मिर्च पाउडर। अगर आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, और इसके बदले में मैंने ऑलरेडी बोला आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर सकते हो अगर आपको पसंद है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है। तो जब तक कि ना चिकन और आलू अच्छे से बॉयल हो जाए तब तक हमें इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो रेडी हो गया है मेरा बॉयल्ड चिकन। आलू भी अच्छे से बॉयल हो चुका है, चिकन भी अच्छे से कुक्ड हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, अच्छे से रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।